हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं दो टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। आप सबके ऊपर नाज है और आप सबके बीच आकर सचमुच मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, इसीलिए यह सब सारी बातें मैं बोल रहा हूं। आपके ऊपर भरोसा है, और जिन हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है उसका गम केवल परिवार के लोगों को नहीं है, हम लोगों को भी है, 130 करोड़ भारतवासियों को भी। मैं आप सबको, बहुत हमारी इच्छा थी कि आप तभी से हमारी भेंट हो, और मित्रों भरोसा रखना, अब हमारा भारत यह कमजोर भारत नहीं है, भारत का एक सशक्त नेतृत्व है, श्री नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमको मिला है, फैसला लेने वाला प्रधानमंत्री, दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रधानमंत्री, हमारे स्वाभिमान पर कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, राष्ट्रीय स्वाभिमान यह हमारी पूंजी है। आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि और अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आज हम लद्दाख के क्षेत्र में यहां पर खड़े हैं और इस फॉरवर्ड पोस्ट पर आकर आप सबसे मिलते हुए, जहां मुझे बेहद खुशी हो रही है, वहीं पर इसी लद्दाख के कारगिल त्रास सेक्टर भारत की सीमा की रक्षा करते हुए, एक एक इंच जमीन की रक्षा करते हुए हमारे सेना के जवानों ने जो शहादत दी है, उनको भी मैं इसमें स्मरण करना चाहता हूं और उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि कारगिल दिवस की भी एनिवर्सरी 26 जुलाई को है, और यहां आया हूं तो मैंने सोचा कि दिल्ली से तो उनको स्मरण करेंगे ही, लेकिन इस लद्दाख की धरती पर आकर उनको स्मरण करना चाहता हूं, और उनकी शहादत सदैव हम सब के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपको, आपका और साथ ही साथ आपके परिवार के सभी सदस्यों का भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते शीश झुकाकर अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करना। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गुड, एक बार बोलिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।